Hey everyone, welcome to Shoms IAS. My name is Shivangi Sharma, and here we are with our fourth chapter of class 12 history. And the name of the chapter is Thinkers, Belief and Buildings. ठीक है, so cultural development. So जो हमने last two chapters पढ़े उसमें हमने पहले first chapter, जो second chapter था उसमें हमने पढ़े kings के बारे में, empires के बारे में. second chapter में हमने पढ़ा families के बारे में, kinships के बारे में. और जो fourth chapter है, यानी कि दिस चैप्टर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं थिंकर्स, जो भी फिलोसोफर्स थे, और लोगों की क्या क्या मान्यताएं थी, लोग क्या क्या चीज़ें मानते थे उस टाइम पे, और बिल्डिंग्स के बारे में. ठीक है, टाइमलाइन इसमें भी सेम होने वाली है, 600 BCE से 600 CE का. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम ना पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ पूरे चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं. सो इस चैप्टर में हम एक लॉन्ग जर्नी देखने वाले हैं, 1000 साल के लगभग, जहाँ पे हम फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे जो है कल्चरल डेवलपमेंट्स हमारी एरिया पे, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में हो रही थी. ठीक है, क्या क्या आइडियाज़ थी, क्या क्या लोग मतलब लोग क्या मानते थे. ठीक है, ओरल और रिटन टेक्स्ट सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स, इन सबको भी हम देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली इसमें हम बुद्धिज़्म के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, बुद्धिज़्म के बारे में हम ज़्यादा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में ही पढ़ेंगे, और भी ऐसे ट्रेडिशन होंगे. ठीक है, और ऐसे डिबेट्स और डायलॉग्स भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो देखो जो हिस्टोरियंस है, अब हिस्टोरियन को सोर्स कहाँ से मिला इस वर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने का, वो था कि जो बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे ना, वहाँ पे जो भी आइडियाज़ और जो भी बिलीव्स थे उनके थ्रू हिस्टोरियंस ने जो है चीज़ों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करा. ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब है फिर से उन्होंने बनाया, अलग अलग जगह से चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बनाई उन्होंने. ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स थे और इंस्क्रिप्शंस थे जिनकी हेल्प से भी जो है चीज़ें पता चली. ठीक है, उसमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व्ड मोन्यूमेंट है वो है सांची स्तूप. ठीक है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसके कुछ मेजर फैक्टर्स है इस चैप्टर में. ठीक है, सो ग्लिम्स ऑफ सांची. ठीक है, सर, सांची के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले. सो यहाँ पे एक फ़ोटो है शाहजहाँ बेगम की, सो इनको भी देख लो, बिकॉज अभी हम इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो हाँ, सांची इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में सांची कैसी थी, देखो भोपाल में है सांची. ठीक है, कनाखरा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह है, इतनी कुछ खास बड़ा विलेज तो वो है नहीं, 20 माइल्स का है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में भोपाल में. ठीक है, सो ये जो चीज़ है ये शाहजहाँ बेगम ने लिखी है, जो कि भोपाल की एक नवाब थी. ठीक है, तो वो बता रही हैं कहाँ पे. वैसे मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, जिन्होंने, एक अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, राइट, कैसे उन्होंने देखा और उन्होंने हर एक रुइंस को भी अच्छे से एग्जामिन करा, कैसे उन्होंने ड्राइंग्स वगैरह बनाई. ठीक है, सो ठीक है, ये जो उस टाइम पे सिचुएशन वो बोल रही हैं कि ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही थी 19th सेंचुरी में. जो यूरोपियंस थे उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया सांची स्तूप में. ठीक है, स्तूप जो कि सांची में है. ठीक है, सो वैसे ही फ्रेंच ने शाहजहाँ बेगम की परमिशन ले ली ताकि वो ईस्टर्न गेटवे को ले जा सके. मतलब वो सोच रहे थे कि हाँ हम उनसे परमिशन मांग लेते हैं और ईस्टर्न गेटवे को ले जाकर जो है हम अपने वहाँ पर बसा लेंगे. ठीक है, मतलब फ्रांस के म्यूज़ियम में वो लोग इसको डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, कुछ काफ़ी इंग्लिश मैन थे जो यही चीज़ करना चाह रहे थे, बट फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को ही इस चीज़ की जो है, मतलब उनको बोला गया कि तुम ये मत करो, बट तुम ना POP जो होती है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहाँ के ऐसे कॉपीज़ बना के यहाँ से ले जाओ, बट जो ओरिजिनल चीज़ है वो वहीं पे रहने दो, जो कि भोपाल में है. ठीक है, इसके बारे में हम आगे एक अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कैसे एक इंग्लिश मैन ने इस चीज़ के खिलाफ वो गए थे. ठीक है, तो भोपाल की जो रूलर थी शाहजहाँ बेगम और उनके सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम, सो उन लोगों ने मनी, यानी कि उन्होंने, वो लोग फंड प्रोवाइड करते थे ऐसी पुरानी पुरानी जो एंशंट साइट्स थी उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए. ठीक है, कौन कौन, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम. ठीक है, सो जॉन मार्शल भी थे. ठीक है, जिन्होंने मतलब सांची के बारे में काफ़ी सारी ऐसी वॉल्यूम्स लिखी. मतलब देखो जॉन मार्शल ने बेसिकली एक बुक लिखी थी जिसमें वो सांची के बारे में दिखा रहे थे, बेसिकली सांची स्तूप और सांची के बारे में उन्होंने वो बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने स्पेशली इन्होंने इनको मेंशन भी करा हुआ था. ठीक है, सो उन्होंने इतनी सारी वॉल्यूम्स लिखी और उनको भी मेंशन करा. ठीक है, सो जो स्तूप है ना उसको, मतलब उसका वो अभी तक सर्वाइव्ड है. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स थी ये सिचुएशंस, बिकॉज
क्या क्या होता है सांझी स्तूप में, वो भी हम आगे जाके अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हर स्तूप की कैसे बनती है चीज़ें, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यूरोपियंस ले जाना चाह रहे थे अपने म्यूजियम में लगाने के लिए यहाँ से, ठीक है। सो ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था सांची, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिले अगर हमें अर्ली बुद्धिज्म को समझना है तो, बिकॉज सांची एक ऐसा सेंटर मिला बना जहाँ पे बुद्धिज्म जब आया तो बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। और सांची में जो है बहुत सारी रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन भी करती थी ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उनका फंड कौन देता था, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास फोटो है ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, सांची स्तूप की जो है ये फोटो है हमारे पास, ठीक है। सो अब हम पढ़ लेते हैं द बैकग्राउंड सेक्रीफाइज एंड डिबेट्स। देखो जब मिड फर्स्ट मिलेनियम BC चल रही थी ना, उस टाइम पे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया, बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे थिंकर्स जो है वो एमरजेंस मतलब थिंकर कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो कि एमर्ज होने लग गए, जैसे जराथुस्त्रा ऑफ ईरान, कॉन्गजी फ्रॉम चाइना, सोक्रेट्स, प्लाटो एंड अरिस्टोटल इन ग्रीस, एंड महावीरा एंड गौतम बुद्ध अमंग मैनी अदर्स इन इंडिया, ठीक है। सो इतने सारे जो है वो थिंकर्स आए, उन्होंने अब अपनी पर्सपेक्टिव आगे रखे, है ना। उन्होंने रिलेशन बताया कि मतलब इनका मेन मोटिव था कि ये रिलेशन अंडरस्टैंड कर सके बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, कि जो ह्यूमन है और जो कॉस्मिक ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर बेसिकली हम क्या हैं, हमारी स्पिरिट क्या है, ये सारी चीज़ें कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर आती हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे नई किंगडम्स और सिटीज़ भी डेवलप हो रही थी, सो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। जैसे हमने गंगा वैली के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, कि कैसे गंगा वैली के पास जो है वेराइटी ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अब द सेक्रीफाइजल ट्रेडिशन, देखो काफ़ी ऐसे प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन हैं हमारी, ठीक है, जो कि ऐसी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में इन मतलब रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में जिनको हाईलाइट करते हैं, वैसे ही जो हमारी वैदिक ट्रेडिशन है जिसे ऋग्वेदा भी बोला जाता है, उसमें बहुत मतलब ऋग्वेदा को बनने में अराउंड 1500 से लेके 1000 BC तक का टाइम लग गया था, ठीक है। सो ऋग्वेदा में बहुत सारे हाइम्स है यानी कि बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे ऐसे भजन है जो कि हमारे डेटीज़ के, जो भी हमारे देवता हैं उनके प्रेज में वो सारे होते हैं, स्पेशली जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम का ज़्यादा जो है उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में भजन और उनके बारे में मंत्र उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। सो ये जो हाइम्स है इनको चैंट किया जाता था और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की जाती थी, मतलब जब सेक्रीफाइसेस यानी कि हवन वगैरह करवाए जाते थे उस टाइम पे इनके जो ये हाइम्स है इनको बोला जाता था, इनको चैंट किया जाता था, ठीक है। जहाँ पे लोग केटल, सन, गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ के लिए, यही तो हम जब पूजा करते हैं तो हमारी बेसिकली यही मतलब होता है कि हाँ चलो केटल आ जाए, सन आ जाए, गुड हेल्थ हो हम लोगों की लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारी पर्टिकुलर डिज़ायर होती है, राइट। सो एट फर्स्ट जो सेक्रीफाइसेस होती थी ना वो कलेक्टिवली परफॉर्म की जाती थी, ठीक है, कुछ जो है और कुछ ऐसी थी जो कि मतलब हाउस होल्ड का जो हेड है वो खुद परफॉर्म करते थे, ठीक है, डोमेस्टिक यूनिट के लिए, कि मतलब उनका जो घर है, उनकी जो गृहस्थी है वो ढंग से चले, राइट, उसके वेलबींग के लिए, ठीक है। सो वैसे ही जो वो एक बहुत ही कुछ ऐसे एलोबरेटेड सेक्रीफाइसेस हैं जैसे कि राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। सो ये चीफ्स और किंग्स किया करते थे, ठीक है, और मतलब करवाया करते थे, और करता कौन था, ब्राह्मिन्स किया करते थे, ठीक है। सो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जब हमने 4 वर्ण के बारे में पढ़े थे, राइट, ठीक है। अब आता है, इसी के साथ शुरू होता है हमारा नया टॉपिक 2.2 जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब काफ़ी ऐसे आइडियाज़ थे जो कि उपनिषद में मिलते थे, ठीक है, 6th सेंचुरी से ही। सो अब लोगों को ना मतलब जैसे 6th सेंचुरी शुरू हुई तो लोगों को ना बहुत क्यूरियोसिटी आ गई कि लाइफ की क्या मीनिंग है, लाइफ क्यों है, हम क्यों धरती पे आए हैं, और डेथ के बाद क्या सारी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों के लिए लोगों का जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी आने लग गई थी, ठीक है। और रीबर्थ, रीबर्थ भी ऐसा एक टॉपिक था जिसमें लोगों बहुत सारे डिस्कस किया करते थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी किया करते थे, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें थी कि ऐसे बोला जाता था कि जो रीबर्थ है वो हमारे पास्ट एक्शन की वजह से होता है, राइट, कि आपने सुना होगा ऐसे बोलते हुए किसी को कि हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए हैं जिसकी वजह से हम आज इंसान बने हैं, राइट, या फिर तेरे साथ ऐसा हुआ कि तू अभी ये कर रहा है तो आगे जाके तुझे अगले जन्म में जो है इस चीज़ को हिसाब किताब देना पड़ेगा कि अगर आज अच्छा करोगे तो अगले जन्म में भी आपके साथ अच्छा ही होगा वाली स्टफ, राइट। सो आपने ये सारी चीज़ें तो किसी न किसी के मुँह से सुनी होगी, राइट। सो ऐसे इश्यूज थे जिनके बारे में काफ़ी सारी जो है डिबेट की जाती थी उस टाइम पे। जो थिंकर्स थे
वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, बिकॉज अब अल्टीमेट रियलिटी का क्या, जो नेचर है उसको एक्सप्रेस करना और समझना, ये चीज़ें काफ़ी उस टाइम पे डिबेट की जाती थी। तो ये लोग जो हमारे थिंकर्स हैं वो इस चीज़ के बारे में स्टडी भी करना चाह रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसे वैदिक ट्रेडिशंस थे जो कि जिनकी रियलिटी अल्टीमेटली, मतलब काफ़ी लोग उनको फॉलो नहीं करते थे और उनके खिलाफ भी जाते थे। ठीक है, जो लोग थे, अब जो सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन है उसमें भी जो है लोगों ने अपना सिग्निफिकेंस देना शुरू कर दिया था। ठीक है, नॉर्मल पीपल्स ने भी। सो डिबेट्स एंड डिस्कशन, देखो जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट आने शुरू हुए उस टाइम पे डिस्कशन और डिबेट्स और ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, उस टाइम पे 64 ऐसे स्कूल्स खोले गए थे थॉट्स के, जहाँ पे लोग खुद सोच के, अब जो भी रिलीजियस चीज़ें चलती आ रही है उन पे जो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था, उन पे डिबेट करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, जो टीचर्स है वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे। ठीक है, क्यों ट्रैवल करते थे, ताकि उनकी जो भी उनका नॉलेज है वो पूरी कंट्री में वो लोग ट्रैवल करके उसको फैला सके। ठीक है, सो ऐसे 64 जो है वो स्कूल्स बनाए गए थे और काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स थे जो जगह से जगह ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, सो जो वैलिडिटी थी इन फिलोसोफर्स की, तो वो समझते थे। ठीक है, तो अब जो ये सारी डिबेट्स हुआ करती थी, जब ये 64 ऐसे स्कूल्स खोले गए और जब टीचर्स जगह से जगह जाके जो है बातें करने लग गए थे, तब उस टाइम पे एक एक जगह पर्टिकुलर जगह बना दी थी जहाँ पे ये सारी डिबेट्स हुआ करती थी, जिसको बोला जाता था कुतग्रह शाला। ठीक है, सो लिटरली बेसिकली ये एक हट हुआ करती थी जिसकी पॉइंटेड रूफ हुआ करती थी। ठीक है, पॉइंटेड रूफ। ठीक है, सो जो फिलोसोफर्स थे, अब काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उनको ना, अब देखो यहाँ पे ना जो काफ़ी सारे फिलोसोफर थे, जब हम बात करते हैं फिलोसोफर्स की तो ऐसी बात तो नहीं है कि एक या दो फिलोसोफर ही होंगे, काफ़ी सारे ऐसे फिलोसोफर्स थे, काफ़ी सारे थिंकर्स थे। सो देखो, जब एक पर्टिकुलर पर्सन किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट करता है, सो उसके जो है उसके डिसिपल्स होते हैं। ठीक है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं। सपोज टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में भी अगर लोअर लेवल की डिबेट होती है तो आपके पास दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है फॉर और एक होता है अगेंस्ट। ठीक है, सो आगे जो लोग हैं वो कुछ फोर्स के साथ होते हैं, कुछ जो है वो अगेंस्ट के साथ होते हैं। ठीक है, सो जब यहाँ पे इतने सारे फिलोसोफर्स और इतने सारे थिंकर्स एमर्ज होने शुरू हो गए थे, उस टाइम पे कुछ डिसिपल्स भी थे जो कि काफ़ियों को फॉलो करते थे और काफ़ियों को फॉलो नहीं करते थे। सो इस टाइम पे क्या होता था, ये जो फिलोसोफर्स थे इनके बीच में राइवल्स या फिर हम बोल सकते कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे। सो ये लोग जब डिबेट्स किया करते थे तो इनके जो डिसिपल्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, अब वो इन डिबेट्स को सुना करते थे। ठीक है, सब उनको ऐसा लगता था कि हाँ, जैसे सपोज ए और बी और सी दो फिलोसोफर है। ठीक है, सो इन तीनों के जो अपने अपने फॉलोअर्स भी होंगे, राइट। ठीक है, सो हम इनके भी जो है पर्टिकुलर फॉलोअर्स होंगे। सो मान लो डिबेट हो रही है और तीनों पर्सपेक्टिव के लोगों को बी की बातें, बी फिलोसोफर की बातें ज़्यादा समझ आ रही है, तो बाद में ये तीनों जो है वो बी को फॉलो करने लग जाएंगे। ठीक है, सो उस टाइम पे ऐसे जो है कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गई थी और जो भी फिलोसोफर्स थे वो कोशिश करते थे कि हम कुछ भी करके अपने फॉलोअर्स को कहीं गिरने ना दें। ठीक है, सो वो जो है बहुत सारी उस टाइम पे स्टडीज़ भी करने लग गए थे। काफ़ी ऐसे टीचर्स थे जैसे कि महावीरा और बुद्धा, जिन्होंने कि वेदा की अथॉरिटी पे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू करा। ठीक है, बिकॉज उनका ये सजेशन था, वो ये चाहते थे कि मेंस और वुमेंस, ठीक है, सभी को लिब्रेशन मिले इन ट्रायल से। जैसे हम बोलते हैं ना कि जन्म बार बार जन्म होता है बिकॉज ऑफ आर वर्क, राइट। सो हम बोलते हैं ना मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ों के लिए जो है उन्होंने लड़ाई करी और बोला कि मेंस और वुमेंस दोनों को जो है ये चीज़ लिब्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को ये जो जन्म का बंधन है इससे छुड़वा देना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए काफ़ी सारी जो है ट्रिबुलेशन भी उस टाइम पर हुई थी। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि एक पर्टिकुलर, देखो इस टाइम पर इनका इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस इसीलिए हो गया था क्योंकि इनका ये जो बेसिक लड़ाई किया करते थे वो होती थी बेसिकली कास्ट और जेंडर के बेस पे। तो उस टाइम पे जो सारे लोग हैं वो इक्वालिटी के लिए बात किया करते थे, सो इसलिए उनके जो फॉलोअर्स वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, अब कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट बनाए जाते थे और कैसे उनको प्रिजर्व किया गया। ठीक है, देखो जब तक बुद्धा थे, ठीक है, जब तक बुद्धा थे उन्होंने अपनी सारी जो भी टीचिंग्स है वो ऑरली बताई, मेंस और वुमेंस सभी को, बच्चे भी उस वहाँ पे हुआ करते थे, सो वो सुनते थे बुद्धा जी की बातों को, वो लोग सुना करते थे और बुद्धा जो है ऑरली ये सारी चीज़ें अपने बताया करते थे। ठीक है, उनकी जीते जीते उनकी कोई भी स्पीच को लिखा नहीं गया था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट जब उनकी डेथ हो गई इन लाइक 5th-4th century BCE, तो उस टाइम पे उनकी टीचिंग्स को जो एल्डर्स हुआ करते थे, जो सीनियर मॉन्क्स हुआ करते थे, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि
इन चीज़ों को लिखना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने तिपिताका बनाया, ठीक है, जिसका मतलब था 3 baskets। सो ये जो पिताका हुआ करते थे, ती पिताका, इन तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट थी वो थी विनया पिताका। इसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लिखे गए थे कि किसी भी संघा या किसी भी मोनेस्टिक ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है सुत्त पिताका, और सुत्त पिताका में बुद्धा जी की सारी टीचिंग्स लिखी गई थी कि बुद्धा जी क्या क्या बताते थे, उनकी क्या क्या टीचिंग्स थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो सुत्त पिताका में लिखी गई थी। फिर आता है अभिधम्म पिताका, और अभिधम्म पिताका में सारे जो भी फिलोसॉफिकल मैटर्स हुआ करते थे उनको मेंशन किया गया था, ठीक है। सो हर एक पिताका में इंडिविजुअल नंबर ऑफ टेक्स्ट हुआ करते थे, ठीक है। सो जो अलग अलग स्कॉलर्स हुआ करते थे, अलग अलग इन सारी चीज़ों को वो लिखा करते थे, ठीक है। बुद्धिज़्म बाद में श्रीलंका में भी फैलने लग गया था, और सारे ऐसे टेक्स्ट निकल करके आए, जैसे दीपवंसा और महावंसा, ठीक है। सो इनको भी लिखा गया, इसमें भी बेसिकली बुद्धिज़्म की जो रिलीजन, जो रीजनल हिस्ट्रीज है उनको मेंशन किया गया था, ठीक है। पाली लैंग्वेजेस में और संस्कृत लैंग्वेजेस में भी ये सारी चीज़ों को लिखा गया था। उसके बाद जब बुद्धिज़्म है वो ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे फाजियान और जुआनजंग, जिनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, ये लोग भी आ गए थे चाइना में, और उन्होंने भी ये सारी चीज़ें स्टडी करी, और बुद्धिज़्म जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा, ठीक है। सो अभी हमने थोड़ी देर के लिए बुद्धिज़्म को ब्रेक दिया, हम फिर से बुद्धिज़्म में आएंगे, ठीक है। सो अभी हम महावीरा यानी कि जैनिज़्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो देखो जैनिज़्म, जो भी जैनिज़्म था और जो भी जैनास थे, उनकी बेसिक जो फिलोसफी थी वो थी नॉर्थ इंडिया की तरफ पे, ठीक है। मतलब वर्धमान यानी कि महावीरा के बर्थ से पहले भी उनकी फिलॉसफी जो है वो नॉर्थ इंडिया में फैल चुकी थी, ठीक है, 6th century BC के टाइम पे। सो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग महावीरा से पहले जो है वो 23 टीचर्स पहले थे उनके पीछे, जो जिनको तीर्थंकास बोला जाता था, ठीक है। सो तीर्थंकास का मतलब होता था वो लोग जो मेन्स और वुमेन्स को गाइड करते हैं अक्रॉस द रिवर, ठीक है। सो यही, और इनके वजह से ही जो है वो नॉर्थ साइड में जो है वो उस टाइम पे ये जो महा जो जैनिज्म है वो उस टाइम पे फैल रहा था, ठीक है, उनके पहले भी। सो देखो होता क्या था कि देखो किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमने धर्म पढ़ा या ग्रुप पढ़ा, उनका कुछ आइडिया था, इम्पॉर्टेंट आइडिया, ठीक है। सो जैनिज्म में भी था इनका फर्स्ट कि इनका ये मानना था कि जो वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, कुछ भी चीज़ मतलब हर एक चीज़ मतलब सब कुछ एनिमेटेड है। मान लो कि स्टोन, रॉक्स और वाटर्स है, उनकी भी जो है वो लाइफ हुआ करती है, लाइफ है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि किसी भी लिविंग बीइंग को हम इंजरी नहीं देंगे, स्पेशली ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद उनका जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, ठीक है, वो अहिंसा को बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे कि लड़ाई नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, अहिंसा को वो फॉलो किया करते थे। और जैन टीचिंग के अकॉर्डिंग जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है ना, वो कर्मा शेप उसको देता है। बोलने का मतलब कि आप इस बर्थ में जो कर्म करोगे, नेक्स्ट बर्थ में उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। कि अगर आज आप अच्छे से रहते हो, हर एक चीज़ पॉजिटिव करते हो, तो आने वाले जन्म में जो है आपके साथ भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। और अगर आज आप नेगेटिव चीज़ें करते हो, किसी के साथ अच्छे से नहीं ट्रीट करते, तो आने वाले टाइम पर आपके साथ भी यही चीज़ें होगी, ठीक है। सो जो जैन मॉन्क्स और जो नंस हुआ करती थी ना, वो 5 vows लेते थे, ठीक है। मतलब 5 हम बोल सकते हैं कि प्रतिज्ञा लेते थे, जिसमें वो बोलते थे कि हम कभी किसी की मृत्यु नहीं करेंगे, किसी कभी किसी को मारेंगे नहीं, कभी ना हम कुछ चुराएंगे, और ना ही कभी कभी कुछ झूठ बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने बोला कि वो सिलेबसी को ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसको वो छोड़ देंगे, अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी वो अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली। अब स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म कैसे फैला। देखो जैनिज़्म इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में फैल गया था, जैसे बुद्धिज़्म फैला। सो जो जैना स्कॉलर्स थे उनकी जो लिटरेचर है, देखिए ठीक है, जो जैना इनकी लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा रिच थी। सो इनके लिटरेचर को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में जो उस टाइम पे लिखा गया था, जैसे प्राकृत लैंग्वेज कौन है, प्राकृत लैंग्वेज ऑलमोस्ट सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है, संस्कृत और तमिल, ठीक है। इन लैंग्वेजेस में जो है वो जैन आज का लिटरेचर को और ज़्यादा फैलाया गया था, ठीक है।
सेंचुरीज तक की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मंदिरों की जो लाइब्रेरीज होती है ना, काफ़ी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं ना उनकी जो है वो लाइब्रेरीज भी होती है, अटैच्ड एट लाइब्रेरीज, ठीक है। सो इन लाइब्रेरीज में इनकी जो चीज़ें हैं उनको ऐसे छुप मतलब अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया था, ठीक है। सो जो अर्लीस्ट स्टोन के स्कल्पचर्स है और जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि जो तीर्थंकर थे उनके भी काफ़ी सारे डिवोटीज हुआ करते थे, ठीक है, और सपोर्टिंग रेड में सेवरे सेवरे साइड्स में जो है उनको उनकी चीज़ों को रिकवर किया गया, ठीक है। इसी के साथ आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट। फिर से हम बुद्धिज्म की तरफ आ गए हैं, ठीक है, बीच में बस थोड़ा जैनिज्म के बारे में हमें पढ़ना था। सो देखो, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर रहे हैं अभी तक के सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल टीचर रहे हैं वो रहे हैं बुद्धा जी, बिकॉज ओवर द सेंचुरीज उनका जो मैसेज है वो स्प्रेड होता चला गया, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, सेंट्रल एशिया की तरफ हो गया, फिर चाइना, कोरिया, जापान, उसके बाद श्रीलंका, फिर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इतनी सारी कंट्रीज़ में जो है बुद्धिज़्म इतनी बहुत ही जल्दी फैल गया था। और ठीक है, सो हमें बुद्धा की टीचिंग के बारे में कैसे पता? देखो, बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली एडिट किया जाता है ट्रांसलेट करते टाइम। जब भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से चीज़ें की जाती है ताकि किसी भी वर्ड का मतलब ना बदले, ठीक है। सो हिस्टोरियंस ने जो हैगियोग्राफीज होती है, ठीक है, अब हैगियोग्राफी क्या होती है, देखो, जब भी किसी रिलीजियस टीचर, किसी रिलीजियस लीडर या किसी सेंट की बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसको हैगियोग्राफी बोला जाता है, उसको बायोग्राफी नहीं बोला जाता है, ठीक है। सो उस टाइम पे काफ़ी हैगियोग्राफी लिखी गई जो कि बुद्धा जी के टाइम के लगभग 100 साल के बाद, सेंचुरीज के बाद भी जो है बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धा जी के बारे में जो है वो हैगियोग्राफी लिखी गई थी। काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज थी जिसकी वजह से हमें और सारी चीज़ें पता चली, ठीक है। सो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो सिद्धार्था है, मतलब जो बुद्धा है उनका नाम जो है वो सिद्धार्था हुआ करता था जब वो पैदा हुए थे, तो वो एक चीफ के बेटे थे, ठीक है। सो चीफ कौन होते हैं वो हमने पढ़ा है, सक्या क्लान के जो चीफ थे उनके वो बेटे हुआ करते थे। सो उनको उनके पैलेस से कभी भी बाहर नहीं निकाला गया था, ठीक है, उनको, बिकॉज बाहर की जो हार्श रियलिटी है वो कभी भी सिद्धार्था को जो है वो नहीं दिखाई गई थी। एक दिन वो अपने चैरिटर के साथ जो है वो सिटी में जाते हैं, फिर सबसे पहले उनको दिखता है कि जो बाहर की दुनिया है बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। सो उन्होंने देखा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मैन, जिन्होंने मतलब जो एक स्टिक मैन, एक कॉप्स, फिर उन्होंने देखा कि फिर तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन बॉडी समय के साथ साथ जो है वो बर्बाद हो जाती है, डिके कर जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने होमलेस मेंडिकेंट को देखा, जिनको देख के उन्हें लगा कि हाँ, ओल्ड एज के साथ जो है वो इतनी सारी जो है डिजीज़ आ जाती है, फिर डेथ आ जाती है, ठीक है। सो उन्होंने भी ये पाथ छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पैलेस वगैरह सब छोड़ के वो जो है मतलब अपना ट्रूथ, अपना क्या सच है वो ढूंढने के लिए वो चले गए, ठीक है। फिर सिद्धार्था ने बहुत सारे पाथ एक्सप्लोर करे, ठीक है, उन्होंने बहुत मतलब बॉडीली मॉडिफिकेशन करा जिसकी वजह से उनकी डेथ तक होने की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इतना उन्होंने फास्टिंग करी, इतना वो जो है हम बोल सकते मेडिटेशन किया करते थे, इतने इतने महीने बिना कुछ खाए, द फास्टिंग बुद्धा के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। सो जिसकी वजह से उनकी डेथ तक की सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। इतना एक्सट्रीम मेथड किया करते थे वो मेडिटेटिंग के लिए, इतने इतने दिन के लिए वो मतलब बिना कुछ करे मेडिटेटिंग करते रहते थे, जिसकी वजह से उनको बाद में जो है एनलाइनमेंट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद उन्हें बुद्धा का नाम दिया गया था, और बुद्धा का बेसिकली मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, ठीक है। सो उनकी बाकी की जो लाइफ थी, उन्होंने अपनी बाकी की पूरी बची लाइफ में धम्मा और जो रिलीज मतलब जो कि राइट लिविंग है, आपको क्या करना चाहिए, सही क्या है, वो सब कुछ उन्होंने सिखाने में अपनी पूरी ज़िंदगी बात की लगा दी थी। द टीचिंग ऑफ बुद्धा, देखो बुद्धा की जो टीचिंग है ना वो सुत्त पिताका में देखी जाती है, ठीक है। सो बुद्धा फिलोसफी के अंदर जो वर्ल्ड है वो ट्रांसिएंट है, अनिका है, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग सोललेस है, देखो सोललेस एज देर इज नथिंग परमानेंट, ठीक है।
वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, इस दुनिया के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं। सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि ये अनिका है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है, इसका जो मेन नेचर है डैट इज़ चेंजिंग, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं ये सोललेस है, ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड में रहना है, दुनिया में रहना है, तो आपको एक चीज़ का जो है वो सामना करना पड़ेगा, जो कि है सोरो यानी कि दुख। सो उनका मानना ये था कि अगर उन्हें धरती पे रहना है तो उन्हें चेंज भी फेस करना पड़ेगा, उन्हें सोरो भी फेस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने बोला कि हर चीज़ सोललेस है, बिकॉज कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आज दुख है तो कल खुशी होगी, अगर आज खुशी है तो कल दुख भी होगा ही होगा, ये जो है उनका मतलब ये जो है वो चीज़ बताया करते थे, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि खुद को जानो, अगर अगर आपको ह्यूमन आपको इस वर्ल्डली ट्रबल से यानी कि दुनिया में जो दुख है, दुनिया में जो भी ट्रबल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, इनसे अगर आपको ऊपर उठना है, इनसे बाहर निकलना है, तो आप अपने अंदर झांको, खुद का इंटेलिजेंस करो, ठीक है। उनका ये बुद्धिज़्म में उनका ये बोलना था कि ना कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो उनका मानना था कि जो है वो हमारे अंदर है, ठीक है। सो बुद्धा जो है वो मतलब सोशल वर्ल्ड में ह्यूमंस कैसे होने चाहिए, उन्होंने ह्यूमन बनाया, ना कि कोई डिवाइन ओरिजिन। उनका ये बोलना था कि जो दुनिया है वो ह्यूमंस बनाते, कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। बाद में उन्होंने जो किंग्स और जो गृहपति है उनको भी बोला कि उनको एथिकल होना चाहिए और उनको ह्यूमेन होना चाहिए, ठीक है। सो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स थे वो लोग डाल रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो एक्सेप्ट करें, ताकि जो सोशल रिलेशन है उनमें थोड़ी चेंज आ सके, ठीक है। सो बुद्धा की जो एजेंसी थी उसके अंदर राइटेस एक्शन आपको सिखाया जाता था, आपको बताया जाता, आपको बताया जाता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ आपको करना है, व्हाट इज़ राइट, राइटेस एक्शन, ठीक है। अगर आपको ये रीबर्थ का जो साइकिल है, जैसे हम बोलते हैं ना जन्म मरण का जो साइकिल है, जन्म मरण की जो चेन है, अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आपको मुक्ति प्राप्त करनी होगी, उसको मुक्ति बोला जाता है, राइट। सो वही मुक्ति पाने के लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन और निबरना, ठीक है। सो दस अगर आपको ये जो सफरिंग का साइकिल है, जो हम ये सारी चीज़ें सफ़र करते हैं दुनिया में, इससे अगर आपको फ्री होना है तो आपको अपना ईगो त्यागना होगा, अपनी डिज़ायर त्यागनी होगी, ठीक है, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग। सो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उनके अकॉर्डिंग जो बुद्धा जी थे उनके जो लास्ट वर्ड थे वो थे बी लैम्प्स टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, ठीक है। सो उनका ये बोलने का ये मतलब है कि अपना अपने लिए लैम्प खुद बनो, खुद को उजाला खुद दो, ताकि तुम आगे जाके जो है फ्री हो सको, लिबरेट हो सको, ठीक है। अब बुद्धा के फॉलोअर्स कैसे हुआ करते थे, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में भी, तो कि बुद्धा के जो डिसिपल्स हैं वो संगा बना दिया करते थे और उन संघ में साथ में रहा करते थे। सो ये जो मॉन्क्स है ये बाद में जाके टीचर्स बन जाते थे और क्या फैलाते थे, ये धम्मा ही इनका जो मेन मोटिव है वो था धम्मा को फैलाना, ठीक है। ये मॉन्क्स बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे, अपनी मतलब बस उतनी ही चीज़ें अपने पास रखा करते थे जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है और असेंशियल है, ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि वो भिक्खुस हुआ करते थे, मतलब वो लोगों से मांग के भिक्षा मांग के जो है वो चीज़ें खाया करते थे और रहा करते थे। तो उनका ये मानना था कि एक बारी में उनको इतना ही फूड जो है वो रिसीव करना है जितना उनको एक बारी के लिए ज़रूरत है, उनको आगे के लिए कभी भी कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। सो पहले इनिशियली जो मैन हुआ करते थे सिर्फ उन्हीं को अलाउड था कि वो संगा को ज्वाइन करें, बट बाद में जो है वुमेंस को भी इसमें एडमिट कर दिया गया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेडिटेशन जो है वो आनंद का सोर्स है, ठीक है। अगर आपको आनंद चाहिए तो आप मेडिटेशन करो, ठीक है। और बुद्धा का जो डियरेस्ट डिसिपल था वो भी यही था, ठीक है। सो उसके वजह से उन्होंने वुमेंस को अलो करा कि वो भी संगा में जाके जो है मतलब डिसिपल बन सके, ठीक है। और इनमें जो फर्स्ट वुमेन थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और ये बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। सो फॉस्टर मदर कौन होती है, फॉस्टर मदर होती है वो माँ जो बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, राइट। जैसे होता है ना कि
जन्म देने वाली माँ कोई और होती है, पाल पोस के बड़े करने वाली माँ कोई और होती है। इन सब केसेस जब ऐसा होता है कि मदर की डेथ हो जाती है या कुछ, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे केसेस पे, ठीक है, सुन की जो है फोस्टर मदर जो इनकी फर्स्ट वुमेन भिखुनी बनी थी, ठीक है। अब धमाका जो टीचिंग थी उसमें उनको ये भी सिखाया गया कि वुमेन्स को भी बराबर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनके पास भी लिबरेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो बुद्धा के फॉलोअर्स है वो काफ़ी काफ़ी ग्रुप से आए, कुछ वेल्दी मैन हुआ करते थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जो गहपतिज हुआ करते थे, गहपतिज को भी हमने डिस्कस करा है कितने अमीर लोग हुआ करते थे, कुछ ऐसे हम लोग फोक हुआ करते थे जैसे कुछ वर्कर्स हो गए, कुछ स्लेव्स हो गए और कुछ क्राफ्ट पर्सन हो गए। बट जब भी ये सारे, जब भी इनमें से कोई भी संघ को ज्वाइन करता था तब ये सारे बराबर हो जाते थे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता था, ऑल ओवर इक्वल सभी। उस टाइम पे कोई वेल्दी मैन, कोई वर्कर, कोई गृहपति नहीं होता था, ये सारे उस टाइम पे भिक्खुज और भिक्खुनीज हो जाया करते थे, ठीक है। जो इंटरनल फंक्शन था संघा का वो जो पुराने ट्रेडिशन थे उसी पे बेसिस था। बेसिकली ये क्या करते थे, कोई भी डिसीजन लेना है तो डिस्कशन लिया करते थे, और अगर डिस्कशन कभी कभार फेल हो जाते थे और अगर कोई एक पर्टिकुलर आंसर पे नहीं निकल पाते थे तब ये उस सब्जेक्ट के लिए जो है वो वोटिंग किया करते थे, ठीक है। अब बुद्धिज़्म जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने लग गया, ठीक है, विद द टाइम भी। उसके बाद बुद्धा, जब तक बुद्धा थे उस टाइम तक तो बुद्धिज़्म बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फैला, ठीक है। बट बुद्धा जी की डेथ के बाद, तो मान लो जंगल में लगी आग की तरह बुद्धिज़्म फैल गया था, क्योंकि लोगों को जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही थी और उन्हें लगा कि हाँ ये चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे बेसिकली चीज़ बेसिक चीज़ें वो बोलते थे कि बर्थ के बेसिस पे जो सुपरियॉरिटी है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोगों के दिल में करुणा की भावना होनी चाहिए, लोगों के दिल में मेता होना चाहिए, ठीक है। जो भी यंग है और जो भी वीक है उनके प्रति करुणा होना चाहिए, लोगों के दिल में कंपैशन होना चाहिए, ठीक है। उसी टाइम पे तो जब इतनी बेसिक चीज़ें थी तो मेंस और वुमेंस दोनों बुद्धिस्ट टीचिंग को जो है वो उस टाइम पे फॉलो किया करने लग गई थी, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्तूपास के बारे में। जैसे हमने बोला था स्तूपास से हमने शुरू किया था, स्तूपास भी हम आ गए, ठीक है। देखो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन होता है, उस पर्टिकुलर रिलीजन में हम देखते हैं कुछ ऐसे सेक्रेड प्लेसेस होते हैं। जैसे मैं बोलूँगी अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। फिर हम देखें तो मॉस्क्यू होते हैं, कब मॉस्क होते हैं इसमें मुस्लिम धर्म में। फिर चर्चेज भी होते हैं, राइट। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वैसा ही एक सेक्रेड प्लेस होता था, ठीक है। देखो ये वो सारी मतलब एक ऐसा स्पेशल ट्री होता था, एक ऐसा यूनिक रॉक हुआ करता था जिसकी अपनी एक नेचुरल ब्यूटी हुआ करती थी, जो कि कहीं ना कहीं बुद्धा जी से रिलेट करता था, और इनको चैत्यास बोला जाता था, ठीक है। देखो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें बेसिकली चैत्यास का वो मतलब होता था कि टू डिस्क्राइब द पीपल प्लेसेज एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ, ठीक है। ऐसी कुछ पर्टिकुलर जगह थी, जैसे उनमें से एक फर्स्ट जगह थी लुम्बिनी। लुम्बिनी कौन सी जगह है, वहाँ पर बुद्धा जी की जो है वो बर्थ हुआ था। उसके बाद है बोध गया। काफ़ी लोगों को पता है कि बोध गया में बैनियन ट्री के नीचे जो है उन्होंने अपनी एनलाइनमेंट को अटेन करा था। उसके बाद आता है सारनाथ, और सारनाथ में जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था, अपना पहला ज्ञान दिया था। उसके बाद कुशीनगरा जहाँ पे उन्हें निबन्ना मिला था, निबन्ना मतलब उनको मुक्ति मिल गई थी, ठीक है। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वैसे वैसे इन सारी जगहों को सैकर्ड घोषित कर दिया गया, ठीक है। लगभग 200 साल पहले, मतलब बुद्धा जी की डेथ होने के 200 साल के बाद, अशोका जब वो लुम्बिनी आए तब उन्होंने एक पिलर वहाँ पे माउंट करवाया ताकि सभी को लगे कि हाँ कि इतनी कि ऐसी चीज़ें थी वहाँ पर कि लॉर्ड अश की जो अशोका थे वो भी वहाँ जाके उन्होंने भी जगह को विजिट करा। अब स्तूपास बनाए क्यों जाते थे, देखो बहुत सारी ऐसी और जगहें भी थी जिनको सेकर्ड बोला जाता था, बट जो स्तूपा थे ना, स्तूपा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो भी बॉडीली रिमेन्स थे बुद्धा के उनको वहाँ पे जो है बरी किया गया था, और जो भी ऑब्जेक्ट्स उन लोगों उन्होंने यूज़ किया था, मतलब जब बुद्धा जी को मुक्ति मिल गई थी, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो उनके बॉडी के जो भी रिमेन्स थे, उनकी जो भी अस्थियाँ थी और जो भी चीज़ वो यूज़ करते थे वो उस स्तूपा के अंदर जो है वो
बरी किया जाता था। अब स्तूपा कैसे होते हैं हम लोगों को वैसे पता है, हम लोगों ने देख फोटो तो देखी हुई है। एक माउंड होता है स्तूपा के ऊपर, राइट, एक स्तूप माउंड जैसे ही तो होता है स्तूपा एक सेमी सर्कल में, राइट। तो ऐसी बात नहीं है कि बुद्धिज्म आने के बाद ही स्तूपाज बने, स्तूपाज उससे पहले बनते थे, बट बुद्धिज्म आने के बाद जब ये बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट हो गए तब उस टाइम पे ये और ज़्यादा जो है वो फेमस हो गए थे, ठीक है। सो हर एक जो स्तूपा है वो बुद्धा और बुद्धिज्म को जो है वो ज़्यादा रिलेट करता था और उसको और ज़्यादा शो करता था। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अशोक का वंदना, सो जो अशोक है उन्होंने भी अपना एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करा था बुद्धा की रेलिक्स को, जो कि एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टाउन था, और उन्होंने वहाँ पर भी जो है एक स्तूपा को कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी BCE में बहुत सारे स्तूपास बनने लग गए थे, जैसे भरूच, सांची और सारनाथ में, ठीक है, ये सारे बनने लग गए थे। अब स्तूपास बनाए कैसे जाते थे, सो यहाँ पे ना एक फ़ोटो है पहले हमारे पास, मैं आपको यहाँ ले आती हूँ डायरेक्ट। हाँ सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सो ये स्तूपा की फ़ोटो है। सो अब इस स्तूपा की फ़ोटो को अपने दिमाग में छपा दो, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बोलने वाली हूँ वो डायरेक्ट आपको यहाँ से देखनी है, ठीक है। सो जो भी इंस्क्रिप्शंस थे वो रेलिंग्स पे और पिलर्स पे लिखे जाते थे स्तूपा के। कुछ ऐसे डोनेशंस थे जो कि सातवाहनास के किंग किया करते थे। सातवाहनास हमने कितना पढ़ लिया, राइट, हिस्ट्री में। सो बहुत, और सांची की जो मतलब जो भी ये स्तूप के जो गेटवेज हुआ करते थे ना वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे, ठीक है। और जो रेलिंग्स थी वहाँ पे सारे वुमेन्स और मेन्स के नाम लिखे जाते थे जो अपना अकॉर्डिंग टू अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे किया करते थे, ठीक है, और उनका ऑक्यूपेशन भी लिखा जाता था। फिर जो भिक्खुज और भिक्खुनीज है वो भी इन मोन्यूमेंट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया करते थे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, देखो जो स्तूपा है वो एक सेमी सर्कुलर माउंड होता है, ठीक है, अर्थ से एक सेमी सर्कुलर माउंड होता है जिसको बाद में अंडा भी बोला जाने लग गया था, ठीक है। देखो जनरली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लग गया था क्योंकि देखो ये एक राउंड और स्क्वायर शेप का एक बैलेंसिंग फिगर हुआ करता था, ठीक है। अंडा के ऊपर एक हार्मिका बना जाता था और बालकनी बनाई जाती थी, ठीक है। अब बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द अबोड ऑफ गॉड्स, ठीक है। सो हार्मिका से अराइज होके उसको यष्टि बोले जाने लग गया था, जो कि एक छतरी और एक अम्ब्रेला से सर माउंटेड हुआ करते थे, ठीक है। अराउंड द माउंट देर वॉज अ रेलिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये रेलिंग है यहाँ पर, और इसी रेलिंग में जो है उनके नाम लिखे जाते थे, ठीक है। सो ये रेलिंग बेसिकली एक हम बोल सकते हैं ये रेलिंग सेपरेट करता था सेक्रेड स्पेस को सेक्युलर वर्ल्ड से। सो इसलिए ये था कि इससे बाहर वाला जो एरिया है वो सेक्युलर वर्ल्ड है और इसके अंदर जो है वो स्तूप है, ठीक है। सो स्टोन की रेलिंग भी वहाँ पे की जाने लगी थी सांची और भरहुत में, ठीक है। फिर उसके बाद जो गेटवेज थे वो बहुत ही रिचली कार्विंग उसमें की जाती थी, और चार कार्डिनल पॉइंट्स हुआ करते थे, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहाँ पे जो है चार गेट हुआ करते थे, ठीक है। सब वर्शिपर्स ने क्या करना शुरू कर दिया था कि वो ईस्टर्न गेटवे से आते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते थे, जैसे कि स्काई, जैसे कि सन चलता है स्काई के साथ में, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो दूसरे वाले डोर पर पहुँचते थे वो वहाँ से बाहर आ जाया करते थे, ठीक है, जैसे हम आज परिक्रमा वगैरह किया करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। सो ऐसी ही एक स्कल्पचर है अमरावती में और शाहजी की डेयरी पेशावर में, जो कि आज पाकिस्तान में, ठीक है। डिस्कवरिंग स्तूतास द फेथ ऑफ अमरावती एंड सांची, देखो 1796 में एक लोकल राजा थे, ठीक है, जो कि एक टेंपल बनाना चाहते थे स्तूपा को बर्बाद करके, मतलब अमरावती का जो स्तूप है उसको हटा के वो वहाँ पे एक मंदिर बनाना चाहते थे, एक टेम्पल वो वहाँ पे बनाना चाहते थे। सो उन्होंने सोचा कि जो भी स्टोन है, देखो ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि अमरावती का जो स्तूप है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें टूटा हुआ और बिखरा हुआ मिला था, ठीक है, इसीलिए। सो उन्होंने उस स्टोन का यूज़ करना शुरू करा, और उनका मानना ये था कि ये जो स्तूप है ना उसके नीचे बहुत सारा जो है वो ट्रेजर, बहुत सारा खजाना जो है वहाँ पे गाड़ा गया है। कुछ सालों के बाद एक ब्रिटिश ऑफिसियल आता है जिनका नाम था कॉलिन मैकिन्जी, ठीक है, वो साइट को विजिट करते हैं, उनको स्कल्पचर के काफ़ी सारे पीसेस देखने को मिलते हैं, और वो इन पे काफ़ी सारी डिटेल ड्राइंग भी करती है और करते हैं, और ये जो बट उनकी जो रिपोर्ट थी ना उसको कभी पब्लिश नहीं किया गया। 1854 में वॉल्टर एलियट, जो कि एक कमिश्नर थे गुंतुर आंध्र प्रदेश के, वो भी अमरावती आए और उन्होंने सेवरल ऐसे स्कल्पचर के जो पैनल्स थे उनको कलेक्ट करा और उनको मद्रास में ले गए। वहाँ जाके फिर उन्होंने डिस्कवर करा
कि ये जो वेस्टर्न गेटवेज है वहाँ के भी कुछ रिमेन्स जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो सांची अमरावती का जो स्तूप था वो आज तक जितने भी बुद्ध स्तूप बने हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा जो है वो सुंदर था। ठीक है, बट अमरावती का जो स्तूप है वो कहीं ना कहीं हमें खराब मिला, टूटा हुआ मिला। ठीक है, सो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो यहाँ से एक इनका वो ले जाके, एक जो गेटवे है वो ले जाके अपने गार्डन के गेटवे में उसको लगा सके। ठीक है, सो इनफैक्ट काफ़ी ऐसे न्यू ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इन स्कल्पचर्स को निकालना शुरू कर दिया था ग्राउंड से और अपने जो है म्यूज़ियम में वो लगाना चाहते थे। बट फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम था H.H. Cole, और उन्होंने लिखा, उन्होंने ऐसा बोला कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को लूट रहे हैं, उनसे उनका एंशियंट आर्ट लूट के अपनी जगह पर ले जा रहे हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल और काफ़ी ज़्यादा जो है इनडिफेंसिबल पॉलिसी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा इनको गलत लगता था। उनका ये मानना था कि ये तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है, बट एक पर्टिकुलर प्लेस से कोई भी चीज़ दूसरे पर्टिकुलर म्यूजियम में भी नहीं जानी चाहिए, दूसरी पर्टिकुलर जगह के। ठीक है, उनका ये मानना था कि आप POP के वो बना दो, वो ले जाके जो अपने पास ले जाओ। ठीक है, अब इसीलिए सांची इतना सर्वाइव हो गया था और अमरावती नहीं, इसका रीज़न हमारे पास मिल गया था बिकॉज सांची 1818 में डिस्कवर किया गया और उस टाइम पे जो HH ने बोला था उनकी बातों को फॉलो करने लग गए थे। ठीक है, उस टाइम पे अब जो है उसको नहीं छेड़ा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। जैसे हमने देखा कि जो स्कल्पचर्स थे उनको स्तूपा से हटा दिए गए थे और उनको यूरोप की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, अब ना देखो जो स्टोन्स थे उसमें ना बहुत सारी जो है स्टोरीज ऐसे देखने को हमें मिलता है कि अगर फर्स्ट टाइम में एक स्कल्पचर को देखे तो हमें काफ़ी सारी हार्ट ट्रीज लोग्स वगैरह लोग हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे ही सांची में एक स्कल्पचर में जो आर्ट है उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि ये तो वसंतरा जटाका की एक स्टोरी है, जो एक सीन है जो कि ऐसे दिखाया जा रहा है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा जेनरस प्रिंस है जो कि ब्राह्मिन्स को अपना सब कुछ दान पे दे रहे हैं, फिर वो फॉरेस्ट पे अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ जो है वो रहने चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स को हमारे हिस्टोरियंस ने स्टडी करा। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, देखो जो आर्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे फेमिलेरिटी देखी हाइगोग्राफी, मतलब बुद्धा की जो भी हाइगियोग्राफी थी और बुद्धिस्ट कल्चर में जो जो चीज़ें बनाई गई थी उनको देख के। ठीक है, टेक्स्ट और पेंटिंग्स को, टेक्स्ट और स्कल्पचर्स को आपस में जो है रिलेट करना, आपस में हम बोल सकते हैं कि आपस में इनको वो करना शुरू कर दिया, कंपेयर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब हम लोगों को चीज़ें दिखने शुरू हो गई थी। और हमें ये भी चीज़ देखने को मिला कि जब हम कोई भी स्कल्पचर में जब बुद्धा को दिखाया जाता था तो उनको किसी भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था, उनको या तो खाली जगह या तो फिर ऐसी एक पेड़ दिखा दिया जाता था या खाली जगह दिखा दी जाती थी कि यहाँ पे जो है वो बुद्धा होते होंगे। और उन स्तूपा को उस टाइम पे महापरिनिबर्ना बोलना शुरू कर दिया था, इसका मतलब था अ फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा डिलीवर्ड एट सानाथ। ठीक है, कभी कभी एक ऐसा ट्री वहाँ पे बना दिया जाता था। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से जो बुद्धा जी की लाइफ को दिखाया जा रहा था, बस बुद्धा को जो है वो उस टाइम पे एक ह्यूमन फिगर नहीं दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब देखो कई कई ऐसा होता था ना कि जब हम आपस में चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो चीज़ें लिखी गई थी और जो स्कल्पचर्स थे वो आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल वूमेन थी जो कि एक गेटवे में ऐसे मतलब स्विंगिंग करते हुए जो है उनकी वो थी जो कि एक पेड़ को पकड़े हुए थी। बाद में बहुत सारी जब लिटरली ट्रेडिशंस का एग्जामिन किया गया तब जाके ये पता चला कि वो उनको संस्कृत में शलभंजिका बोला जाता है। वो बहुत ही ऐसा मतलब ऐसी वुमेन थी वो जो कि किसी भी चीज़ को टच करे तो वो फ्लावर या फिर ऐसा पौधा बन जाता था जिसमें फ्लावर या बहुत सारे फ्रूट्स उसमें लगा जाता था। ठीक है, जो शलभंजिका का मोटिव था उससे हमें ये भी देखने को मिला कि जो बुद्धिज़्म है वो बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड है। ठीक है, मतलब जो नॉन बुद्धिज़्म बिलीव्स है और प्रैक्टिसेज है, देखो बिकॉज बुद्धिज़्म ना सिद्धार्था के पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब लोगों ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करना शुरू करा तो काफ़ी सारे जो प्रैक्टिसेज वो पहले से फॉलो करते आ रहे थे उसके भी कुछ कुछ एसेंस वो इसमें लाने लगे जो उनको लगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, वैसे ही सांची जो है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन के जो हमें मतलब वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें ऐसे बहुत सारे फाइनेस्ट मतलब एनिमल के भी डिपिक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे
एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज और केटल्स, ठीक है, जैसे जताकास में जो जो एनिमल स्टोरीज थी वैसी वैसी जो है सांची में भी हमें देखने को मिली, ठीक है। सो एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का सिंबल भी दिखाए जाने लग गया था, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और विजडम को वो रिफ्लेक्ट किया करता था। किसका साइन? एलिफेंट का साइन, ठीक है। और देखो कुछ ऐसी वुमेंस थी जो कि लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड थी और पानी को स्प्रिंकल कर रही थी, जो कि अभिषेक और जो कंसेस्ट्रेशन है उसका सिस्टम, उसका उसका परफॉर्म करते हुए उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, ठीक है। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने माया को, बुद्धा जी की मदर को, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही पॉपुलर गॉडेस को गजालक्ष्मी का नाम दिया, जो कि गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून फॉर्च्यून थी, मतलब ठीक है, जो कि अच्छा फॉर्चून लेकर आएंगे, उनको भी एलिफेंट से जो है एसोसिएट किया गया, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे स्कल्पचर्स थे जो कि माया और गजलक्ष्मी दोनों को फिगर आउट करते थे, ठीक है। ये जो मोटिव्स थे इनसे बेसिकली जो पॉपुलर ट्रेडिशन है वो कहाँ कहाँ से ड्राइव होता है, और वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ टेक्स्ट में ही रिकॉर्ड हो, ये चीज़ वो दिखाता था, ठीक है। उसके बाद एक मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस आते हैं, जेम्स फेगसन। वो सांची को कंसीडर करते हैं एज द सेंटर ऑफ ट्री एंड द सर्पेंट वर्शिप, ठीक है। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से इतना कुछ ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, वो ना ही उनके लिए किसी ने कुछ ट्रांसलेट करा, तो वो इमेजेस को ही जो है स्टडी किया करते थे। अब आते हैं द रिलीजियस ट्रेडिशन, द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। देखो फर्स्ट सेंचुरी CE में एक एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ है और प्रैक्टिसेज है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। देखो अब जो बुद्धा है वो एनलाइटमेंट और निबाना का अपना ऑन एफर्ट दे रहे ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। ग्रेजुअली ये जो आइडिया है ये धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ये बिलीव किया जाने लग गया कि अब जो है सेल्वेशन हो सकती है, बस सेल्वेशन का, यानी कि मुक्ति का। सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। अगर आपको सेल्वेशन पाना है तो आपको बेसिकली बुद्धिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोधिसत्ता भी डेवलप होने लग गया। बोधिसत्ता का मतलब था कि एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि आपको कैसे कैसे मुक्ति पानी है उसके लिए एक आपके पास एडवांटेज हो सकता था, ठीक है। उसके बाद महायाना आए जिनका मतलब होता था द ग्रेट व्हीकल, जिन्होंने जिन्होंने जो बिलीव्स अपनाए थे वो हिनान्या की जो है वो ट्रेडिशन हुआ करते थे, ठीक है। अब पुरानिक हिंदुइज्म का ग्रोथ कैसे हुआ? देखो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो सिर्फ बुद्धिज़्म में ही नहीं, जबकि और जैसे हिंदुज़्म में भी देखने को मिली, जिसमें वैष्णविज्म आता है, ठीक है। फिर उसमें आता है शिविज़्म। शिविज़्म ये वैष्णविज़्म जहाँ पे विष्णु को वर्शिप किया जाता है, और शिविज़्म जहाँ पे शिव जी को एज अ चीफ गोस्ट जो है वहाँ पे उनको रिगार्ड किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे चूज़न डिटी को लोग जो है वो वर्शिप किया करते थे, ठीक है। उस टाइम पे गॉड को एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी फिगर बना दी गई थी गॉड और डिवोटी के बीच में, जो रिलेशन था, जो बॉन्ड था, डेट वॉज ऑफ लव, डिवोशन और भक्ति, ठीक है। जो वैष्णविज्म था उसमें हमें एक इनकारनेशन ऑफ डिटी दिखता है, मतलब जो डिटीज है, जो देवता है, जो भगवान है, वो जन्म लेते हैं धरती में। ऐसे 10 अवतार रिकोगनाइज किए गए हैं ट्रेडिशन में, और वो इसलिए वो तब जन्म लेते हैं जब बहुत ज़्यादा पाप, हम बोलते हैं ना पाप बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है एविल फोर्सेस की वजह से, उस टाइम पे जो है एक पॉजिटिव फोर्स बन के जो है भगवान वो जन्म लेते हैं, और फिर वॉर वगैरह होती है और एंड में जो पॉजिटिविटी है वो जीत जाती है, राइट। वैसे विष्णु में काफ़ी सारे ऐसे हमें चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे शिवम में भी शिव को कभी कभी लिंगा का सिम्बलाइज किया जाता है, ठीक है, और कभी कभी उनको ह्यूमन फॉर्म में भी सिम्बलाइज किया जाता है, राइट। वैसे उनके एट्रीब्यूट्स थी, काफ़ी ऐसे सिंबल्स थे जैसे हेड रेस्ट, ऑर्नामेंट्स, आयुधा, वेपन, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो वो डिटीज अपने हाथों पे जो है वो पकड़ती थी, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसे डिटीज थी जो कि थोड़ी काइंड ऑफ अलग थी, जिनके मतलब बहुत सारे हाथ हुआ करते थे, राइट। ऐसे लोगों को भी देख के जो है कभी कभी वो कन्फ्यूज हो जाते थे कि हाँ ये क्या है, जैसे मल्टी हैंड जैसे हम बोलते हैं ना अष्टभुजा, और सर का भी अलग अलग जैसे हम देखे, वैसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट डिफरेंट जब उन्हें ये चीज़ें देखने को मिली तो कभी कभी उन्हें लग भी रहा था कि हाँ ये चीज़ें कुछ अलग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमें पुराणास में पता है, बिकॉज ब्राह्मा जो ब्राह्मण थे उन्होंने पुराणास को कंपाइल करके ये सारी स्टोरीज हमें सुनाई थी। जनरली जो सिंपल संस्कृत वर्स है उसको पढ़ाया जाता था अलाउड, ताकि हर लोग सुन सके। उसमें वुमेन्स और शूद्रास भी हुआ करते थे, ठीक है, बट उन्हें वैदिक लर्निंग की अलाउंस नहीं थी, ठीक है।
उस टाइम पे पुराना, इसके वजह से इंट्रैक्शन बड़ा लोगों के बीच में, प्रीस्ट मर्चेंट और जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन हैं जो कि ट्रैवल किया करते थे जगह से जगह, वो भी अपने आइडियाज़ और बिलीफ को शेयर करने लगे। उसके बाद वासुदेव कृष्णा जो कि मथुरा रीजन की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है, कृष्णा लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों में बात करने लग गए थे। ठीक है, अब टेम्पल्स कैसे बनने लगे। ठीक है, जो फर्स्ट टेम्पल है वो मतलब सबसे पहले तो घरों पे ही जो है गॉड और गॉडेसेस की इमेज बनना शुरू हो गई थी, और उस स्क्वायर जगह को जहाँ पे जो है गर्भगृह, ठीक है, जहाँ पर वो देवता को रखा जाता था उनको गर्भगृह बोला जाता था। ठीक है, सो आज भी मंदिर का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे मूर्ति को बोल सकते हैं, जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोला जाता है। ठीक है, ग्रेजुअली ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉल स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पे जो है वो, जिसको शिखर बोला जाता था, राइट। सो एक मंदिर का शिखर होता है जहाँ गर्भगृह होता है, जहाँ पे मेन जो है वो मूर्ति रखी होती है उसके ऊपर जो है वो गर्भगृह होता है, और उसके ऊपर जो है एक शिखर होता है, एक लंबा सा जो है वो टॉल फिगर आउट होता है ताकि दूर से ही दिख जाए कि आगे जाके जो है मंदिर है। बाद में मंदिर को, टेम्पल्स को और ज़्यादा एलोबरेट किया गया और काफ़ी सारे हॉल्स और ह्यूज वॉल्स वगैरह भी, गेटवेज वगैरह भी बनाए जाने लग गए थे। अर्ली टेम्पल्स का जो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर ये है कि वहाँ पे बहुत ही आर्टिफिशियल केव्स भी थी और ऐसे ह्यूज रॉक्स में छेद भी वगैरह किए गए थे। जैसे हमें पता है कि हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, जैसे वैष्णो देवी में भी ये सारी चीज़ें हैं, राइट। सो वैसे ही 3rd सेंचुरी में जो मंदिर है वो फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर दिए गए थे अशोका के, अशोका ने बोला था कि फिर से उनको, वो चाहते हैं कि आजीविका सेक्ट के अंदर फिर से मंदिर को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो है ट्रेडिशन चेंज होने लग गया था। 8th सेंचुरी आते आते पूरे मंदिर की जो है वो कार्विंग होने लगी थी, डैट वॉज ऑफ कैलाशनाथा, ठीक है, कैलाशनाथा, सॉरी कैलाशनाथा जो टेम्पल है वहाँ पे जो है पूरे मंदिर में जो है वो मतलब ये हम बोल सकते हैं चीज़ें ड्रॉ करनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उस टाइम पे सो जो चीफ स्कल्पचर्स थे उन्होंने भी टेम्पल्स को जब वो बना देते थे तो वो बोलते थे कि हाउ डिड आई मेक इट, मतलब वो खुद इतना सरप्राइज में चले जाते थे कि इतनी प्यारी चीज़ उन्होंने कैसे बनाई। ठीक है, बिकॉज हर एक जगह पे जब आप कार्विंग करते हो ना, बहुत ही लंबा प्रोसेस वो चला जाता है। हाउ कैन वी सी एवरीथिंग, देखो इतना जो रिच ट्रेडिशन है वो हमारे पास्ट में ही था, हमारा पास्ट काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई था, इतने सारे ब्रेक्स और इतने सारे स्टोन एग्रीकल्चर्स थे, स्कल्पचर्स थे और पेंटिंग थे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि इतना सब कुछ था, तो कोई डाउट रहने का तो वही नहीं है। ठीक है, साउथ की तरफ भी हम जाए तो अभी भी काफ़ी मंदिर में वो, मतलब मैक्सिमम मंदिर में वो चीज़ें अभी भी हमें देखने को मिलती हैं, राइट। अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि अनफेमिलियर थी, जैसे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्हें गॉड और गॉडेसेस के जो स्कल्पचर थे वो कभी कभी समझ नहीं आते थे और कभी कभी उनको वो हॉरीफाइंग भी लगते थे। ठीक है, जैसे मल्टीपल आर्म्स या मतलब मल्टीपल हेड्स वाले लोग जो कभी ह्यूमन और एनिमल फॉर्म का कॉम्बिनेशन लगते थे। ठीक है, सो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें को स्टडी करना शुरू करा, सो उन्होंने ग्रीक आर्टिस्ट का वर्क भी देखा, सो फिर जो बुद्धा थे, बौद्धिस्ट थे, बिकॉज इतनी सारी चीज़ों को वो लोग स्टडी कर रहे थे। सो अब उन्हें इतनी सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे तो अलग अलग चीज़ों से लोगों को, चीज़ों को कंपेयर भी कर रहे थे। ठीक है, फिर तक्षशिला और पेशावर में वहाँ पे भी इंडो ग्रीक रूलर्स थे, उन्होंने भी किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए थे 2nd सेंचुरी में। ठीक है, सो उधर भी इंडियन आर्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिले थे। ठीक है, सो काफ़ी ऐसी सेंस थी जो कि अनफेमिलियर थी। सो कभी कभी टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं करते थे, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जो जो आर्ट हिस्टोरियंस ने देखती थी, देखते थे आर्ट, ठीक है, और जो भी टेक्सचुअल मतलब जो आर्ट थी और जो टेक्सचुअल चीज़ें थी वो आपस में मतलब वो मतलब मेल ही नहीं खाती थी। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें लगती थी, जैसे जो मान लो कोई ऐसा आर्ट है और ऐसा स्कल्पचर है जो कि किसी भी ऐसे मतलब कहीं भी ऐसा कुछ है ही नहीं मेंशन जो कि हम उससे मतलब मेल खा सके। सो कभी कभी उन चीज़ों के बारे में पता करना भी थोड़ा थोड़ा टफ हो जाता है, बट जैसे हमें पता है कि वो एक पर्टिकुलर स्टोरी होती थी जो देख के अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो हमें पता भी चल सकता है। जैसे गंगा को हेवन में कैसे लाया गया हेवन से, वैसे भी और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज थी, महाभारत की स्टोरी जहाँ पे अर्जुन कैसे रिवर बैंक में अपनी आर्म्स को एक्वायर करता है, ऐसी भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, हमारे स्कल्पचर्स में, स्कल्पचर्स कहाँ पर, टेम्पल्स में। ठीक है, सो येस डेट वॉज इट फॉर आर टूडेज वीडियो एंड द चैप्टर। So I hope you like this. Thank you. Thank you very much.